आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का सेगमेंट है, इसके अंदर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कई सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। चाहे आप जीत इलेक्ट्रिक पकड़ लो, ओडिसी पकड़ लो, प्योर एनर्जी पकड़ लो, ओला, एथर, बजाज, बहुत सारी कंपनी आती हैं। तो ऐसे में हाकि कन्फ्यूज हो जाता है कि भैया हमारा बजट तो कम है, मगर हमें रेंज ज़्यादा चाहिए, स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। बहुत से लोग मेरे से पर्सनली पूछते हैं, कमेंट के अंदर ही पूछते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं। तो ऐसे में आपको एक कंपनी बताने वाला हूँ, कबीरा मोबिलिटी के बारे में। इसका एक स्कूटर आता है एटोस 100, जिसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है 120 किलोमीटर तक की है, और इसका बजट सिर्फ मात्र 70 या 80 हज़ार के बजट में आपको मिल जाती है। और ये स्कूटर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो डिलीवरी करते हैं, या जिनका डेली बेसिस पे जो काम है वो है अप डाउन का, या सामान ले जाने ले जाने का, उनके लिए भी काफ़ी परफेक्ट स्कूटर है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप लोग अटैचमेंट लगवा सकते हो। तो अगर आप लोग जानना है कि इस स्कूटर के अंदर कंपनी क्या क्या देती है, मतलब प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, और क्या सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती, मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग जानना है तो भैया देख लेना ध्यान से, और आपके बड़े काम की वीडियो है, आपके बड़े पैसे बचाने वाली है कबीरा मोबिलिटी की ये एटोस 100। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, यहाँ पे दबा दो, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है आपको मिलती रहे। और आगे आने वाली जो मेरी व्लॉग्स है, लाइफस्टाइल व्लॉग या जो भी है, वो अभी आपको मिलती रहे, आप लोग और ज़्यादा कनेक्टिविटी में से बना पाओ, ताकि ऐसी और ज़्यादा अच्छी तरह से आन जान हो पाए। बाकी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं कबीरा मोबिलिटी के एटोस 100 की प्राइस की बात करूँ, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 55,000 रुपये है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ कबीरा मोबिलिटी एटोस 100 की, तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर की है। और इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है वो हब मोटर है, जिसपे कंपनी 1 साल की वारंटी देती है, और इसकी बैटरी पर भी कंपनी 1 साल की वारंटी देती है। अगर मैं इसकी ब्रेक्स की बात करूँ कि इसके अंदर आपको कैसे ब्रेक मिलते हैं, तो इसके फ्रंट और रियर पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और उसके साथ इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ एटोस 100 की, तो इसकी जो लंबाई है 1720 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 670 मिलीमीटर की है, और ऊंचाई 1120 मिलीमीटर की है, और इसका जो व्हील बेस है 1300 मिलीमीटर का है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो उसकी टेल लाइट है वो आपको LED मिल जाती हैं। अगर मैं बाकी फीचर की बात करूँ, तो इसके अंदर जो आपकी मोटर टाइप, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर टाइप है, वो BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और उसकी जो रेंज है वो 110 किलोमीटर तक की है पर चार्ज पे। और इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलती है वो लिथियम बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और जो बैटरी कैपेसिटी है वो 60 वोल्ट की है। और इसके साथ इसके अंदर आपको लाइव ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट एंटी थेफ्ट एंड SOS, ट्रिप हिस्ट्री और राइड स्टेटस दिखाते रहते हैं। अगर मैं इसकी बैटरी की चार्जिंग को लेकर बात करूँ, तो कंपनी दावा करती है कि इसकी जो बैटरी है 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, वो भी घर पे हो जाएगी आराम से, और कंपनी इसकी बैटरी पर स्टैंडर्ड वारंटी देती है 3 साल की। तो अगर आप लोग भी कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे 120 किलोमीटर की रेंज वाला और अच्छी स्पीड वाला, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्पीड, अच्छी रेंज और अच्छे बजट के अंदर में आ जाती है, और आपको ऑब्वियसली बात है सब्सिडी मिलेगी, दिल्ली में तो मिलेगी। बाकी आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट जाके अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपी में अभी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि वहाँ पे भी सब्सिडी मिलने स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जहाँ तक मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को ये पता चला है कि यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाली हुई नहीं है इसीलिए। और ये उन लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट है जो डिलीवरी करते हैं या अप डाउन करते हैं सामान ले जाने के लिए, या हाँ उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें अटैचमेंट लग के और आप लोग आगे उस थोड़ा सामान रखते हो, तो इसीलिए ज़्यादा कैरियर बन जाता है। तो अगर आप लोगों के लिए ये यूज़फुल है और आप लोग लेते हो या कंसिडर करते हो, तो भाई मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है या क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पर एक डिटेल वीडियो बना दूँ, तो भी बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो ला दूँगा, ताकि आपको डिटेल वीडियो के अंदर एक अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो भी कम से कम समय के अंदर। बाकी अगर आपको बाइस कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, चलो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी, तो आपको पता क्या करना है, लाइक से कमेंट सब्सक्राइब, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।